अगली खबर एक बार फिर रायपुर से ही आपको बता देते हैं, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी का आज पैदल मार्च है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पैदल मार्च करने वाली है। पार्टी के आदिवासी नेता इस पैदल मार्च में शामिल होंगे। बीजेपी राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेगी। आदिवासियों को साधने के लिए तमाम कोशिशें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हो रही है। तो पैदल मार्च होगा आज भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पैदल मार्च करने जा रही है। डिटेल्स ले लेते हैं, नदीम हमारे साथ बने हुए, खबर के बारे में जानकारी। नदीम, जिस तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि 58% आरक्षण पर जो है वो रोक लगने के बाद से प्रदेश की सियासत में गहमी नजर आ रही है। कांग्रेस जहां इस पूरे मामले में बीजेपी का स्टैंड क्लियर करने की बात करती है, वहीं अब जो है बीजेपी आदिवासी आरक्षण के मसले पर सड़क पर उतरती भी नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के पार्टी के सभी बड़े नेता जो है आज सड़क पर उतरेंगे। भाजपा नेता राजभवन जाकर इस मसले पर राज्यपाल से मिल करके इस मसले की जानकारी देंगे। कांग्रेस की लापरवाही से आदिवासियों के आरक्षण में हुई कटौती के मामले में जो है बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह से लापरवाही कांग्रेस ने की है और जिसके वजह से आदिवासियों के आरक्षण में कटौती की गई है, इसके विरोध में भाजपा पूरे ताकत से विरोध करेगी। जो है इसमें इस पैदल मार्च में भाजपा के सभी विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन से आरक्षण के मामले में मुलाकात, ज्ञापन सौंपेंगे और इसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बीजेपी इस पूरे मसले की चर्चा मीडिया से यहाँ पर करने वाली है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह ही बीजेपी ने हाईवे जाम किया था इसी मसले को लेकर के। पूरे प्रदेश के अलग अलग हाईवे पर जो है बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए जो है चक्का जाम किया था और आज राजभवन जो है बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर से राजभवन पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद जो है मीडिया से रूबरू होंगे। प्रेस वार्ता जो है बीजेपी करने वाली है इस पूरे मामले को लेकर के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी है। बहुत पहले से स्टैंड बीजेपी ने क्लियर कर रखा था आदिवासियों को साधने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, या मध्य प्रदेश में भी आरक्षण को लेकर चर्चाएं हुई थी और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में जब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से इस मामले में रोक लगा दी गई है, तो अब आदिवासियों के लिए बीजेपी सड़क पर आ गई है, पैदल मार्च कर रही है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी सरकार को कैसे घेरेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।